हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास UKG, सब्जेक्ट हिंदी, 29 मई 2020। क्लास वर्क, आज के जो क्लास वर्क है वो है पेज नंबर 8। ये है पेज नंबर 8, वर्णमाला। हाँ, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण में क्या क्या आते हैं? अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, अंग और औ। ये अंग और औ का अयोग बाहु भी कहते हैं। व्यंजन, व्यंजन वर्ण क्या क्या है? क, ख, ग, घ, म, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ज, र, ल, ब। ये तीनों श और ह। नेक्स्ट है चार संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर चार क्या क्या है? ख, त्र, ज्ञ और श्र। बिंदु, नीचे बिंदु लगाकर बनने वाले दो वर्ण क्या क्या है? र और ये र। ये दोनों को अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। हाँ, नीचे जो बिंदु वाले जो दोनों शब्द वर्ण है व्यंजन में, उसको अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है अतिरिक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर है ये चार, ख, त्र, ज्ञ और श्र। और ये दोनों अंग और अ को क्या कहते हैं? अजोग बाहु कहते हैं। स्वर है, ये सारे वर्ण है स्वर वर्ण, और व्यंजन वर्ण है, ये सारी है हमारी व्यंजन वर्ण। हमेशा स्वर की सहायता से ही व्यंजन वर्ण बनते हैं। जैसे क, ख, इसके सारी वर्ण के साथ अ जुड़कर तभी व्यंजन बनते हैं। लेकिन स्वर वर्ण किसी के सहायता से नहीं बनते, वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो वर्णमाला कितने प्रकार है? वर्णमाला दो प्रकार की है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हाँ, और स्वर वर्ण है ये 13 और व्यंजन वर्ण है 33, और संयुक्त अक्षर है चार, और बिंदु लगाकर बनने वाले वर्ण यानी कि अतिरिक्त वर्ण है दो। ये दोनों तो ये आप पढ़ना, ये रिवीजन क्लास है, आप पहले भी ये पढ़ चुके हैं। और ये जो है ये होमवर्क आपकी, ये पढ़ना और इसके शब्द भी लिखना। हाँ, हर एक वर्ण से एक शब्द लिखना। ठीक है, आज हम लोग स्पेलिंग भी सीखेंगे। जैसे स्पेलिंग हिंदी क्लास UKG, कान, क के साथ आ जुड़कर हो गया का और न कान। जाल, ज के साथ आ जुड़कर जा और ल जाल। माला, म के साथ आ जुड़कर हो गया मा और ल के साथ आ जुड़कर हो गया ला, तो माला। नाम, न के साथ आ जुड़कर हो गया ना और म नाम। बाजा, ब के साथ आ बा और ज के साथ आ जा। देखिए, हर एक वर्ण के साथ स्वर वर्ण है। जैसे आ, ल है ना, ल के साथ अ जुड़कर ही होता है ल। ऐसे कान, जाल, माला, नाम, बाजा। ठीक है, ये स्पेलिंग भी आप पढ़ना घर में। ओके, थैंक यू।